नमस्कार। चीन के खिलाफ मिला इस देश का साथ। लद्दाख सीमा पर भारत को आंखें दिखा रहे चीन को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। गुरुवार को देश का महाबली फाइटर जेट राफेल औपचारिक रूप से भारतीय वायु सेना में शामिल हो जाएगा। इस मौके पर अंबाला में होने वाली सेरेमनी में शामिल होने के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ली अपने 80 सदस्य प्रतिमंडल के साथ भारत आ रही हैं। इन दोनों कदमों को चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अंबाला एयरबेस पर होगी इंडक्शन सेरेमनी। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को फ्रांस में होने वाले 5 राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में इंडक्शन किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर होने वाली इंडक्शन सेरेमनी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल विपिन रावत और चीफ मार्शल RKS भदौरिया समेत मिलिट्री के आला अफसर मौजूद रहेंगे। इन विमानों को इंडक्शन के बाद अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया जाएगा। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल होंगी। राफेल की इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी 80 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आ रही हैं। वे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दोनों देशों के रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगी। राफेल के इंडक्शन में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री का शामिल होना चीन पाकिस्तान के लिए संदेश। फ्रांस में बने आधुनिक क्षमता वाले राफेल विमानों का भारतीय वायुसेना में शामिल होना और इंडक्शन सेरेमनी के लिए फ्रांसीसी रक्षा मंत्री का भारत आना, इसे चीन पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। इसके जरिए दोनों देशों को स्पष्ट रूप से मैसेज दिया जा रहा है कि अब उनकी विस्तारवादी आतंकी नीतियों को दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी और फ्रांस भी इस लड़ाई में भारत का साथ खड़ा होगा। फ्रांस से मिलने हैं 36 राफेल लड़ाकू विमान। बता दें कि भारत को फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान मिलने हैं, जिनमें 5 भारत आ चुके हैं, जबकि 5 विमान नवंबर में भारत को मिल जाएंगे। बाकी बचे 26 विमान 2021 के अंत तक भारत को मिलने की उम्मीद है। इनमें से 18 विमानों की एक स्क्वाड्रन अंबाला से और दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिमी बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात होगी। अंबाला एयरबेस से चीन पाकिस्तान पर एक साथ किया जा सकता है हमला। अंबाला एयरबेस भारत की सबसे अहम रणनीतिक लोकेशन पर बना एयरबेस है। यहां से पाकिस्तान की दूरी करीब 300 किलोमीटर और चीन की करीब 450 किलोमीटर है। ऐसे में एक बार में 3700 किलोमीटर तक उड़ान क्षमता रखने वाला राफेल तैनाती के बाद आसानी से भारत के इन दोनों दुश्मनों पर नकेल कस सकेगा। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज़ डेस्क से।